नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। और दोस्तों, इस बार आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो है धतूरा। तो दोस्तों, धतूरा एक औषधीय फल है। मैं जो इस बार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, वो है जैविक कीटनाशक। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं, हम जो फ्लावर और सब्जियां लगाते हैं दोस्तों, उसमें समय समय पर कीड़ों का और अन्य बीमारियों का प्रकोप होता रहता है। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे आसपास आज इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि हम अक्सर करके बीमार रहते हैं। तो ये बीमारी का जब कारण आप पता करते हैं तो हम निश्चित ये हमारी समझ में आता है कि हम जो खा रहे हैं उसी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और आप भी सभी जानते हैं कि जो हम फल और सब्जियां खा रहे हैं आजकल, उनमें इतने हैवी कीटनाशक डाले जा रहे हैं कि उनका बहुत सारा कीटनाशकों का जो प्रभाव है वो फलों सब्जियों में होता हुआ हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। तो इसी क्रम में दोस्तों, मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि हम उन फल सब्जियों का प्रयोग तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने कुछ गार्डन में फल और सब्जियां उगा सकते हैं। हम फल और सब्जियां उगा तो लेते हैं, लेकिन उनमें भी वही परेशानी फिर आती है कि कीटनाशकों का प्रयोग कैसे करें। तो आज मैं आपको एक जैविक कीटनाशक बनाना बता रहा हूं दोस्तों। यह पूरी तरह कारगर है और हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना हानिकारक नहीं जितना और जो कीटनाशक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये धतूरा है। इसके जो अग्रीमेंट हैं, यानी कि इसके जो क्षमा चाहूँगा मैं, इसके जो पार्ट हैं क्या क्या हमें यूज़ करना है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास होना, इससे तो आप सभी जानते ही हैं, ये है नीम। बिल्कुल, नीम एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है दोस्तों, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है। अमेरिका और अनेक यूरोपीय देश, विकसित देश इस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, अगर हमें 5 किलो पानी में कीटनाशक बनाना है, अपना जैविक कीटनाशक, तो इसकी मात्रा लगभग 2 किलो के आसपास आपके पास नीम की पत्तियाँ होनी चाहिए। दोस्तों, मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ तो मैंने केवल 2 लीटर पानी लिया हुआ है और उसी के आधार पर ये लगभग 0.5 किलो पत्तियाँ हैं। एक और पौधा है दोस्तों, बकायन, ये आप देख सकते हैं उसकी पत्तियाँ, लीफ। अगर आपके पास बकायन नहीं है तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बकायन होनी चाहिए, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। बकायन की भी आप कुछ मात्रा में पत्तियाँ ले सकते हैं, अगर बकायन ना हो तो आप नीम की जो पत्तियाँ उनकी मात्रा बढ़ा दें। ये है धतूरा, क्षमा चाहूँगा, ये आक है, अकौआ कहते हैं, और इसके फूल पत्ते महादेव जी को बड़े पसंद आते हैं। और आप भारत के हैं तो भारत में ये बहुतायात से मिल जाता है, तो इसके भी आप पत्ते ले लें। दोस्तों, अगर आपके पास नीम ना हो और आपके पास आक हो केवल, तब भी आपका कीटनाशक बन जाएगा। और लास्ट में ये देखिए, ये धतूरा है, इसे तो आप सभी जानते हैं। तो आप धतूरे की पत्तियां लें, और अगर आपको अगर हैवी कीटनाशक बनाना है तो उसके फल भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये चारों जो पदार्थ हैं जैसे हम इन्हें जैविक कीटनाशक बनाने में उपयोग करेंगे वो आपको बता दिए। नीम की पत्तियां, बकायन की पत्तियां, आक की पत्तियां दोस्तों, और धतूरे के पत्ते और धतूरे के फल। और इस मिश्रण को हम जिसमें बनाएंगे वो है एक मटका। जी हाँ, गरीबों का फ्रिज, पुराने भारतीय समाज का ये पानी का मुख्य स्रोत रहा है। आज भी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में से आसानी से आप ले सकते हैं, मिल सकता है। आपके पास एक पुराना या नया कोई भी मटका होना चाहिए,
और ये मिश्रण, ये जैविक कीटनाशक बनाने के लिए मटका बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आमतौर पर हम दोस्तों प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जैविक खेती में जैविक कीटनाशक, जैविक खाद, जैविक संबंधी जितनी भी तकनीक हैं, आप मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें, मिट्टी के घड़े मटके का उपयोग करें तो बहुत अच्छा जो रिजल्ट आता है। तो एक हमारे पास ये मटका है और आप देख सकते हैं इसमें मैंने लगभग 2 लीटर पानी डाला हुआ है। दोस्तों सही तरीका ये है कि आपके पास अगर गाय का मूत्र हो, देसी भैंस का मूत्र हो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन शहरों में आपको शायद गाय का मूत्र और भैंस का पेशाब नहीं मिल सकेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास स्वच्छ साफ पानी होना चाहिए। तो अब हम इनमें जो चारों पदार्थ हमने एकत्रित किए हैं, जो चारों तरह की पत्तियां हमने ये इकट्ठी की हुई हैं, इनके पत्तों को इसमें अच्छी तरीके से डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें नीम की पत्तियों को ही डालना है। ये मैंने इसमें नीम की पत्तियां डाल दी हैं। मटके में सबसे नीचे नीम की पत्तियां होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये आग के पत्ते लेने हैं और इनको भी आप अपने इस मटके में डाल दीजिए। मात्रा मैंने आपको बताई दी है कि जितना आप पानी लें उसका लगभग चौथा है हिस्सा आपके पास पत्तियों का होना चाहिए। जैसे 10 किलो पानी है तो 2 किलो से 2.5 किलो पत्तियां होनी चाहिए। उसके बाद हमें अपनी बकाइन लेनी है और बकाइन भी मैंने इसमें जो है डाल दी है। अब हमारे पास दोस्तों जो बच्चा है वो है धतूरा। धतूरे में ये ध्यान रखें दोस्तों, इसके फल थोड़े कटीले होते हैं, तो आप जब इसे अपने मटके में डालें तो ज़रा सावधानी बरतें। आप ऐसा करें कि फल अलग तोड़ लें और पत्तियां अलग तोड़ लें। आप देख सकते हैं मैंने ये जो पत्तियां हैं वो अलग कर ली हैं और धतूरे का फल अलग कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमें पहले इसमें इस मटके में इन फलों को यूँ डाल देना है। कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी सी ध्यान रखना है और इसे इसमें अंदर डाल देना है। उसके बाद ये पत्तियां धतूरे के लीजिए, इसे भी आप अपने इस मटके के अंदर ऐसे डाल दीजिए। तो हमने इसमें नीम की पत्तियां, बकाइन की पत्तियां, आग की पत्तियां और धतूरे के फल और धतूरे की पत्तियां लगभग 5 लीटर पानी के अंदर डाल दिए। अब दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ये पत्तियां सभी जो है वो पानी के अंदर होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर पानी आपको कम लग रहा है तो उसमें आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पत्तियां हैं पानी में डूबी हुई हैं। तो अब ये दोस्तों बिल्कुल आपका जैविक कीटनाशक बनने की जो प्रक्रिया उसके लिए तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इस मटके को एक पॉलीथीन या कोई भी जूट का आपके पास बोरी हो उससे इसके मुँह को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद दोस्तों हमें इसे लगभग 10 से 15 दिन रहने देना है और उसके बाद इसमें से एक दो बीच में आप लगभग 15 दिन बाद ऐसे एक बार डंडी से लेकर हिला दें और फिर 5 दिन के लिए इसे फिर दोबारा से रख दें। लगभग 20 दिन बाद दोस्तों आप इसे निकाल सकते हैं और जो आप इसमें से द्रव निकले, जो घोल तैयार होगा उसे निकाल कर आप इसे गर्म करें और उस समय तक गर्म करें पत्तियों समेत जब तक यह पानी घटकर आधा ना रह जाए। और आधा रहने के बाद जो आपका जो घोल बचेगा दोस्तों वो कीटनाशक होगा, जैविक कीटनाशक होगा। और इसका यूज करने का वो तरीका वो है कि अगर आप 1 लीटर जैविक कीटनाशक लेते हैं तो उसे लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर आप मार सकते हैं, यानी आपको लगभग 100 से 150 गुने पानी में इसका प्रयोग करना है। जैसे अगर आप
एक लीटर लेंगे तो लगभग 150 लीटर पानी होना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपके जो कीट हैं जो आपके फलों को सब्जियों को बर्बाद कर रहे हैं वो बर्बाद नहीं कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आपका जैविक मटका तैयार है आपका जैविक कीटनाशक बनाने के लिए। बिल्कुल आपको ऐसे इसे बांध देना है और लगभग 15 से 20 दिन इसे ऐसे ही रख देना है आपको, और इसके बाद आपका जैविक कीटनाशक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए इसमें से कोई उपयोगी बातें हों तो इसे लाइक करें और मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे हौसला मिले आपको नए नए वीडियो दिखाने का, बताने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।